पीपी कराची डिवीजन के सदर डॉक्टर आसिम और सेनेटर सलीम मांडवी वाला कराची में गडियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे एक दफो बीहर मुल्की मुआशी एमरजेंसी जो मुतालबो कयो। सेनेटर सलीम मांडवी वाला जो चवण हो तो मुल्की मईशत मुकम्मल तौर ते तबाह थी चुकी है, आलमी इदारा असा सा गलायण लाए तैयार ना हैं, मौजूदा हुकूमत मुल्क के पोते देखन चाहे थी। संदस चवण हो तो नाणे वाले वफाकी वजीर के इस्तीफा देन घुर्जे, फाइनेंस मिनिस्टर रिजाइन करें और एक फाइनेंस मिनिस्टर नए को लगाया जाए ताकि कम से कम वो कॉन्सेंट्रेट तो कर सके मुल्क की मईशत के ऊपर। अभी तो अगर एक फाइनेंस मिनिस्टर 8 घंटे तक कोर्ट में गुजारेगा और अपने इश्यूज को डील करेगा तो वो मुल्क की मईशत को क्या देखेगा। तो ये हमने पहले डिमांड किया है और जो अर्जेंट इश्यूज हैं इकॉनमी के उसको अर्जेंटली देखा जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। जो आपको मल्टीलेटरल लोग एडवाइस दे रहे हैं उनको उस एडवाइस पे आप चलें। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर डॉक्टर आसिम हुसैन जो चवण हो तो मौजूदा हुकुमरान ओधर वी इदारा हलए रहा है मुल्की मईशत से जो इदारो गए तो वफाकी वजीर उनके पोया पेजी वन था। उधार मांग मांग के गवर्नमेंट से ये इदारे चल रहे हैं, ऊपर से ये खर्चे भी कर रहे हैं, बाहर से लोग भी बना रहे हैं, जहाज भी इन्होंने बेच दिए। मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है पाकिस्तान में जो ये PMLN की हुकूमत लूट के नहीं भागे। आई थिंक इन्होंने एक लूट बाजार लगा हुआ है। सलीम मांडवी वाला वधिक चयो तो मुल्की मईशत वाले मामले ते आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सडाइण लाए पार्टी कयादत सा सलाह मशवरा जारी आन। इस किस्म की बड़ी तशवीशनाक हालात हैं मुल्क के और इसमें पार्लियामेंट को सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मैंने पहले भी कहा है कि एक अर्जेंट मीटिंग करनी चाहिए, चाहे पार्लियामेंट में करें चाहे उससे बाहर करें और कोई इंटरवेंशन करें। मैंने लास्ट वीक कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि वी आर इन एन इकोनॉमिक इमरजेंसी। पीपल्स पार्टी अगवान गुजरियल 4 साल की मुल्की मईशत जहाँ अंग अखर पेश कदे मुल्की मईशत डीहों डी खराब थी रही है, इन सूरत हाल में सियासी जमायतों के पैं किरदार अदा करो पव। शब्बीर लाशारी, सिंध TV न्यूज़, कराची।